पावर ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज 5 डायोप्टर. व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 85 सेंटीमीटर. डाइवर्जेंट है तो यानी कि अब ये बिहेव कर रहा है कॉनकेव लेंस की तरह, ये याद रखना है. तो 85 जो है अपना ये कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट होगा. और जब एयर में था तब इसकी पावर 5 थी, तो यार फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर. लेकिन ये जो फोकल लेंथ आएगी ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, 1/5 मीटर है ये, है ना. जब ये डायोप्टर में होता है तो फोकल लेंथ मीटर में आती है. फोकल लेंथ इन एयर जो हो जाएगी 1/5 × 100 अगर कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी. तो फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर. 100 / 5 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इन एयर इज 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इन लिक्विड इज -85 सेंटीमीटर. ये दो जानकारियां हमारे पास हैं. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. तो भाई ये 1.5 है और ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है. तो ये याद रखिए कि अब जो इसके अंदर की कंडीशन है तब एक नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दिस लिक्विड विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो हमें हम ये निकालना है एक तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर. 1.5 / μLa. जरूरत हमें पड़ेगी μgL, ठीक है. तो देखिए जब ये फॉर्मूला, ये वाली फोकल लेंथ होगी तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/FA म्यू माइनस 1. अब म्यू क्या लगाएंगे यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, 1/R1 - 1/R2. R1 R2 हमें कुछ पता नहीं है. अब इसके लिए क्या लगाएंगे, 1/FL. और अब हम लोग ये लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. यहां पे ग्लास एयर में था, यहां पे ग्लास लिक्विड में है, ठीक है. -1 1/R1 - 1/R2. अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये एफ एल ऊपर चला जाएगा, डिवाइड, और एफ ए नीचे आ जाएगा. ये और ये कट जाएंगे, आर वन आर टू का सारा काम खत्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1. अब सारी वैल्यू रख दो, एफ एल कितना है -85, एफ ए कितना है +20, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है एयर के रेस्पेक्ट में, 1.5 - 1. और ये चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड यहां हमें लिखना है, तो ये हम लोग लिख देंगे 1.5 / refractive index of liquid with respect to air - 1. अब ये 1.5, ये 1.5 आप कैंसल नहीं कर सकते, बेवकूफी मत करिएगा. ये पूरा टर्म इधर ले जाइए, 1.5 / refractive index of liquid with respect to air - 1 = 1.5 में 1 गया 0.5,
इनटू, अब ये इधर आएगा तो उलट पलट हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 85। लेकिन याद रखिए एक नेगेटिव साइन भी चलता आ रहा है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय ये 1 इधर आ गया, तो 1 माइनस 20 इंटू 0.5 हो जाएगा 10, 85 है यहां पे, तो 1 में से 10 बाई 85 गया, तो ये हो जाएगा 75 बाई 85। अब आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसको मैंने इधर ले लिया, 1.5 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 75 ये कर लिया। अब देखिए ये हटा तो ये यहां आया 15 25 75, ठीक है, तो अब 5 से काट सकते हैं आप, 5 10 और 17 का, सो 17 डिवाइडेड बाय 10 1.7। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्वेश्चन इज डन नाउ।